ये भी हो सकता है इनके ऊपर कई FIR हैं, इसमें से कोई इनका नाराज रहा हो, उसने मरवा दिया हो, या ये भी हो सकता है क्षेत्रीय नेता कोई इनको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहा हो, या इसका कोई राजनीतिक एंगल भी हो सकता है। YouTube पर आप लोगों ने एक CCTV फुटेज जरूर देखा होगा, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे दो आतंकवादियों के द्वारा क्षत्रिय राजपूत नेता श्री सुखदेव सिंह शेखावत जी की उन्हीं के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। गोगा मैडी इनके गांव का नाम था, इसीलिए इनके समर्थक इनको सुखदेव सिंह गोगा मैडी के नाम से बुलाया करते थे। इनकी हत्या के पीछे के कारणों को जानने से पहले संक्षिप्त में इनका इतिहास समझते हैं। बात है वर्ष 2006 की, जब लोकेंद्र सिंह कालवी ने माता करणी के नाम से करणी सेना का गठन किया। यह एक गैर राजनीतिक संगठन था जिसका प्रमुख उद्देश्य राजपूतों की संस्कृति का संरक्षण करना था। ये लोग अपने आप को रानी पद्मिनी की 37वीं पीढ़ी बताते हैं, और आप लोगों ने खबर भी सुनी होगी जब पद्मावत मूवी आई थी तो इसी सेना के द्वारा जमकर विरोध किया गया था। और मेरा यह मानना है कि यदि कोई भी साहित्य और मूवी लिखी जाती है तो किसी धर्म या किसी संस्कृति के छेड़छाड़ करते हुए ना लिखा जाए। देखिए, मैं संस्कृति का समर्थक हूं कि संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए, पर जब कोई संस्कृति कुप्रथा बन जाए तो मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पर कि कैसे हमारी संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है, उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं एक सूचना आप लोगों को और देना चाह रहा हूं कि यदि कोई बच्चा UGC NET JRF की तैयारी करना चाह रहा है तो एप्लीकेशन पर कोर्स अवेलेबल होने वाला है। इसके लिए अलग से एक YouTube चैनल बना दिया गया है। इस NET JRF के लिए मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको, इसके लिए YouTube चैनल की लिंक नीचे दी गई है, आप चाहें तो उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। लोकेंद्र सिंह कालवी ने करणी सेना बनाई, जमकर इसने कार्य किया, और इनके साथ आ गए थे सुखदेव सिंह गोगा मैडी जी। स्वाभाविक से ये बात है, जब कोई संगठन बढ़ता है मतभेद होने से उन संगठन में टूटने का डर रहता है, और ऐसा हुआ भी है भारत के इतिहास में। यही करणी सेना के साथ भी हुआ, और करणी सेना का संगठन टूटा और नया संगठन बना श्री राजपूत करणी सेना। यह संगठन भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया, इसमें फिर से विभाजन हुआ और एक और संगठन बना श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, और इसी संगठन के अध्यक्ष बने सुखदेव सिंह गोगा मैडी जी। सुखदेव सिंह गोगा मैडी जी लोकेंद्र सिंह कालवी का बहुत सम्मान करते थे। 2023 में कालवी जी की मृत्यु हो गई, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। अब मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि लोकेंद्र सिंह सुखदेव सिंह गोगा मैडी जी का जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें उनके ऊपर कुल 21 FIR हैं, जिसमें हत्या, बलात्कार, 420 इत्यादि के केस इनके ऊपर लगाए गए हैं। ये केस सच हैं या झूठ हैं मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, पर भारत में ये परंपरा चली आ रही है। कोई भी राजनेता को उठाकर देख लो, 80% भारत के राजनेता ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का FIR जरूर मिलेगा। अब ये FIR सच है या झूठ है मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, पर भारत में एक कॉन्सेप्ट तो है कि जब कोई आगे बढ़ता है राजनीतिक रूप से तो कई उनके ऊपर झूठी FIR भी डाल देते हैं। अब ये अलग मुद्दा है कि इनकी क्या इनका बैकग्राउंड है, क्या इनका स्टेटस है, FIR सच है या झूठ है, इस पर एक अलग वीडियो बनना चाहिए। मुद्दा तो ये है कि इनकी जो मौत हुई है उसके पीछे का असली कारण क्या है। ऐसा नहीं कि इनकी सीधे मौत कर दी गई है या गोली मार दी गई है, इससे पहले इनको कई सारी धमकियां भी आई हैं। यहां तक कि राजस्थान की पुलिस को इनपुट भी मिला था कि इनको गोली मारी जा सकती है। इनको कई सारे कॉल आते थे धमकी भरे, और इस कॉल का जब कनेक्शन देखा गया तो मानते हैं कि यह कॉल जेल से कनाडा जाता था, फिर कनाडा से कनेक्ट होता था इटली, और फिर इटली से कनेक्ट होता था बठिंडा, और इस जेल में बैठे जो व्यक्ति है उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। तो इस हत्याकांड के पीछे कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। जैसे एक इब्राहिम दाऊद हुआ करता था, डॉन था, ऐसे ये लॉरेंस बिश्नोई डॉन है। हमारी लचर व्यवस्था देखिए भारत की, इतना बड़ा प्रशासन तंत्र है और हम इस प्रकार के गुंडों से डर रहे हैं। और इनकी महानता इस बात में है कि ये गोली किसी को भी गोली मरवा सकते हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। वही मैं कहता हूं कि नाथूराम गोडसे की अगर हम विचारधारा को लेकर चलें तो हमारा समाज इस प्रकार से हो जाएगा, जो मैं आगे बात करूंगा। ये गांधी शास्त्री पटेल का देश है, शांति वाला देश, पता नहीं किस रास्ते पर जा रहा है, और इसका प्रमुख कारण है हमारे राजनेता। क्योंकि हमने जब चुन के गुंडों को भेजा है तो वो गुंडों को पालेंगे ना, और गुंडों को पाल रहे हैं, और उसका परिणाम हमें समाज में देखने को मिल रहा है। अब ये अच्छे व्यक्ति थे या इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ये अलग बहस का मुद्दा है। फिलहाल एक
मौत हुई है उस मौत के पीछे के कारणों को जानना बहुत जरूरी है और उसके प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। खुलेआम मौत हो रही है, यूपी के अतीक अहमद को गोली मार दी गई, पंजाब के सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई। गोली मारना बहुत नॉर्मल सा हो गया है हमारे भारत में। इसी बहस को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसी समस्या को कंसर्न लेना है हम लोगों को, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो, नहीं तो कौन इंटरेस्टेड इस चीज़ के लिए। मैं इसके तार आपको बिछा के बताऊंगा कि कैसे चीज़ों का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अब लॉरेंस तो जेल में है तो ऐसा माना जा रहा है, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लॉरेंस का फेवरेट है चेला जिसे रोहित गोदारा कहते हैं। रोहित गोदारा जिसने राजू ठेठ इत्यादि लोगों के मर्डर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। जब उसने राजू ठेठ को मारा था तो उसने एक ट्विटर पर बड़ा सा मैसेज भी डाला था कि इसकी जिम्मेदारी मैं और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैंने मारा है। इतनी बड़ी दादागिरी चल रही है भारत में 1,40,00,000,000 लोगों में, क्या हमारा प्रशासन तंत्र इतना लचर हो चुका है? ऐसे खुलेआम कत्ल होंगे अब? पर देश जनता से तो चलता नहीं है, देश चलता है प्रशासन से और राजनीति से। और हाल ही में जो रोहित गोदारा ने ट्वीट किया है उससे कई सारी बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो इन लोगों की विचारधारा क्या है इस हत्या के पीछे, दूसरा आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा राजनीतिक सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है। आपको ये फील होने लगेगा कि अगर हम चुन के गुंडों को भेजेंगे तो हमारा समाज में जो सिस्टम बनेगा वो गुंडों वाला ही बनेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद इस ट्वीट से अपना अर्थ निकालिए। लिखा है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार, जो कि कनाडा से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि सुखदेव गोगामढ़ी हत्या की जिम्मेदारी हम पहले ही ले चुके हैं। मौके पर हमारा भाई स्वर्गीय नवीन सिंह शेखावत शहीद हो गया है। शहीद का दर्जा तो भारत की पैरामिलिट्री फोर्स को नहीं मिलता है जब वो जवान मरता है मुठभेड़ में, और ये इसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, तो इनकी विचारधारा कहाँ जा रही है यही जाने। इस पर एक अलग बहस होनी चाहिए। अब इसके हिसाब से जो सुखदेव गोगामढ़ी मरे हैं वो कैसे नेचर के थे, इस बलात्कारी अहंकारी जातिवादी नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले को पॉलिटिक्स करने वाले लालची और फिर आगे जो भी लिख रहे हो स्टार हैज लगाया को मारते हुए हमारे अजीज भाई की कुर्बानी हुई है। अब बात समझिए, 21 FIR हैं, वो सच हैं कि झूठ हैं? सुखदेव सिंह गोगामढ़ी व्यक्तिगत रूप से कैसे थे? वो इसके हिसाब से ऐसे थे और FIR भी इसी हिसाब की हुई हैं। पर अगर कोई व्यक्ति गलत है तो इस समाज में कानून व्यवस्था से हिसाब होना चाहिए। अगर सभी लोग गोली बंदूक और बुलडोजर लेकर हिसाब करने लगे तो फिर कोर्ट कचहरी बंद कर देनी चाहिए। और कोर्ट कचहरी का इस देश में महत्व भी क्या है? 20-20 साल में न्याय मिल पा रहा है? इस सरकारों से निवेदन है कि पहले कोर्ट व्यवस्था को इतने ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट स्थापित किए जाएं, मंदिर मस्जिद कुछ साल बाद भी बन जाएंगे, पर सबसे पहले जज व्यवस्था इतनी मजबूत की जाए कि कम से कम 3 महीने के अंदर न्याय तो मिले। शायद इन लोगों का इस न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ रहा हो इसलिए ये सब कदम उठा रहे हैं, पर ये कदम पूरी तरह से गलत है और ये समाज बिल्कुल भी इस प्रकार की चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा। सुखदेव गलत थे या सही थे वो अलग बात है, और होंगे भी गलत तो फिर उनको ये सजा नहीं, सजा उनको कानून देना चाहिए था, पर कानून तो खुद ही लिप्त है। ये देखिए आप, यहाँ पर जो हमने इसको हत्या की है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को मैटर को लेकर बात हुई थी जिसकी वजह से हमने इसकी हत्या की है, इसमें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को उसने शामिल किया था। अब आप समझिए, जब हमारे आका ही इसमें शामिल है, जब प्रशासन तंत्र ही इसमें शामिल है, तो कैसे? हम तो सिर्फ न्यूज सुन सकते हैं और बस, या तो इसके तरफ जा सकते हैं या उसके तरफ। मेरी नजर में जो मारा गया वो गलत था और जिसने मारा वो गलत था। ये सिस्टम ही पूरा गलत है मेरी नजर में। बाकी सबका अपना अपना विचार है, मैं क्या बोल सकता हूं। अब ये भी कहता है कि जो मेरे दुश्मन है वो चौखट पर अर्थी तैयार रखें, हम जल्दी आएंगे। खुलेआम गैंगवार की बात हो रही है, पर प्रशासन तो लचर है, प्रशासन पूरी तरह से लचर है। तो जब प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से लचर होगी तो फिर ये सिस्टम बनेगा ही बनेगा ना। मानते हैं कि रोहित गोदारा 3 गैंग का बॉस माना जाता है, तो फिर क्या इसी में से किसी एक गैंग ने सुखदेव सिंह की हत्या की है? तो इसके पीछे की जब कहानी समझते हैं तो ये समझ में आता है कि इनकी हत्या का पूरा जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ साथ अन्य कई क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय गुंडे हैं उनके ऊपर आ रही है। और कहानी कुछ ऐसे रची गई। कैसे रची गई कहानी? एक व्यक्ति है जिसका नाम है नवीन शेखावत,
जो इनका करीबी था, व्यापारी था। अब चूंकि ये अध्यक्ष हैं और ये राजपूतों के लिए काम कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो जान का डर तो रहता ही है, तो हर किसी से मिलना जुलना इनका हो नहीं पाता। पर जो जान परिचित वाले लोग हैं उनसे तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि संगठन चलाना है। तो ये जो व्यक्ति जिसका नाम नवीन शेखावत है, यह जाता है इनके पास और बोलता है कि हमें कुछ लोगों से मिलवाना है आपको, वो शादी का कार्ड देने के लिए आए। तो इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए, तो लोग बैठे हुए हैं, दोनों लोग, ये नवीन यहाँ बैठा हुआ है, ये बैठे हुए हैं सुखदेव जी, और ये इनका कोई बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है। बस 10-5 मिनट चाय आए पीते हैं, ये लोग आपस में बात होती है, ये मोबाइल में यहाँ व्यस्त हो जाते हैं, और ये खड़ा होता है इसमें से एक और इनको सीधे गोली मार देता है। 17-18 राउंड फायर किए जाते हैं। इसका यूट्यूब पर फुटेज अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये जो दोनों थे वो ये थे, ये माना जाता है कि आर्मी में फौजी है। अब यहाँ पे अग्निवीर का कंसर्न लेना भी बहुत जरूरी है कि जब मानसिकता इतनी खतरनाक हो रही है, तो जो 4 साल के बाद रिटायर होके आएंगे वो तो ट्रेनिंग ले चुके होंगे गन चलाने की, और अगर उनको कहीं व्यवस्थित रोजगार नहीं मिला तो फिर क्या इसी प्रकार की अव्यवस्थाएं होंगी? क्योंकि अव्यवस्था होना स्वाभाविक है। हमारे ऊपर जो भी बैठे हुए हैं शासन प्रशासन करने वाले, उसमें अधिकांश गुंडे हैं, सभी नेता गुंडे हैं, तो गुंडों को वो पाल रहे हैं, तो हिस्ट्री शूटर तो निकलेंगे ना। तो जब 4 साल के बाद अग्निवीर वापस आएगा तब तक वो ट्रेंड हो चुका होगा, और अगर उसको वैकल्पिक रोजगार नहीं मिला जो कि वो सोच रहा है कि रिटायर होने के बाद मिलेगा, या वो वैकल्पिक धंधा नहीं कर पाया, और सब लोग नहीं कर पाएंगे, आप भी समझ रहे हो, सब लोग गैंगस्टर भी नहीं बनेंगे, ये बात भी सही है, पर अगर 100 में से 2 भी गैंगस्टर बन रहे हैं तो वो कितने ट्रेंड होंगे, सोचिए जरा आप। कंसर्न तो है इस समाज का, पर इस पे मुद्दा ना बात करते हुए मंदिर मस्जिद पर बात हो रही है, 5 किलो अनाज देने की बात हो रही है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने की बात हो रही है। इस देश में 18% शिक्षा पर GST लग रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, लोग एक दूसरे को शिक्षा देना ही नहीं चाह रहे हैं, गाली गलौज वाले यूट्यूब पर वीडियो देखे जा रहे हैं, नंगी पुंगी सीन वाले मूवी चल रही हैं, गालियां देने वाले OTT पे सीरीज आ रही हैं, और सरकार आंख और कान बंद करके बैठी हुई है। क्योंकि जो जिस प्रकृति का होता है वो उसी प्रकृति का समाज चाहता है। हमारे नेता इसी प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं, इसीलिए वो सेंसर में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता ऐसी गंदी चीज देखना पसंद करते हैं, इसीलिए वो अश्लील फिल्मों पर रोक नहीं लगा रहे हैं। हमारे नेता चाह रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़े, इसीलिए तो इस प्रकार के घटनाओं को रोकने में असमर्थ होते जा रहे हैं। ये बड़ा कंसर्न है, ये कंसर्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि एक फौज में लगा हुआ व्यक्ति कैसे ये गैंगस्टर बन रहा है। इन दोनों ने उसको खुलेआम गोली मारी है। लचर व्यवस्था देखिए, अगर गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस ना हो तो जो ट्रैफिक वाला खड़ा होता है उसे मालूम चल जाता है इसके पास लाइसेंस नहीं, रोक लो। और ये लोग लापता है 3 दिन से, सरकार को पता ही नहीं है, पुलिस को पता ही नहीं है। अब चूंकि दबाव डाला जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब दबाव क्या डाला जा रहा है, जो इनके समर्थक होंगे वो आंदोलन करना शुरू कर देंगे। अब ये भी गलती कर रहे हैं, इस आंदोलन से आग भड़केगी। अब मुद्दा तो ये है कि इनकी हत्या हुई क्यों, इसके पीछे कोई कारण भी होना चाहिए। तो इसके पीछे कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला है कि गोगा मेडी के लिए लॉरेंस बिश्नोई का हाथ माना जा रहा है कि इसी ने मरवाया है, और ये इसलिए इसने मरवा दिया है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये विरोधी के साथ जुड़े हुए थे, यानी कि इनको ये पसंद नहीं कर रहा था, अगर मैं आपको पसंद ना करूं तो गोली मरवा दूंगा। विचारधारा मिलना बंद हो चुकी है लोगों की। जबकि ये जेल में है फिर भी कितना पावरफुल है, और हो सकता है कि भाई मेरी बातें इसको हर्ट कर रही हो, इसका कोई गुर्गा मुझे सुन रहा हो, तो भाई कल मरना है, मरे तो वैसे भी हैं, इस समाज में जिंदा कौन है, मुर्दों का समाज है ये, कौन सच बोलने की हिम्मत कर पा रहा है। गुंडे और नेताओं के तलवे चाट के हम गुलाम से बन गए हैं, मीडिया तो एकदम दलाली पर आ चुका है, सच दिखाने की हिम्मत नहीं, और किसी भी न्यूज को ऐसे दिखाते हैं हाय तो वह पता नहीं क्या हो गया, न्यूज को व्यापार बना डाला है। कुछ को यह मानना है कि ये कत्ल के कई किरदार हैं, कई सारे किरदार इसमें इंटरलिंक हो रहे हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, कई मान रहे हैं कि आपस में जो पार्टियां थी शायद उन्हीं में से किसी ने मार दिया, पर अभी जो आंदोलन हो रहा है उसमें सभी पार्टियां एक साथ आ गई हैं। ये भी हो सकता है इनके ऊपर कई FIR हैं, इसमें से कोई इनका नाराज रहा हो उसने मरवा दिया हो, या ये भी हो सकता है क्षेत्रीय नेता कोई इनको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहा हो, या इसका कोई राजनीतिक एंगल भी हो सकता है। कई विद्वानों का मानना है कि इसका एक अपना राजनीतिक एंगल है।
जब जब सरकारें चेंज होती हैं तब तब राजस्थान में हत्याएं हुई हैं और इसका उदाहरण आपको प्रत्यक्ष दिख ही रहा है। तो भाई सरकार फिर चेंज हुई है, तो जब सरकारें चेंज होती हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आनी चाहिए कि नए सीएम के लिए कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती बन जाए। शायद इसलिए भी ये काम किया गया हो, कोई ना कोई बलि तो चढ़ेगा, राजनीति की बलि चढ़ाना भी जरूरी है। ये सब मैं सोर्स या सूत्रों से आई हुई बातों के आधार पर बातें बोल रहा हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं किसी भी बातों की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, इनकी हत्या के पीछे एक तो लॉरेंस ग्रुप काम कर रहा है, कुछ क्षेत्रीय नेता का भी नाम आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि इनसे कोई नाराज हो, जिन पर FIR हुई है उन्हीं में से कोई एक हो जिन्होंने सुपारी दे दी हो, या फिर इसका पॉलिटिकल एंगल स्पष्ट रूप से दिखता हुआ दिख रहा है। अब पॉलिटिकल एंगल तो दिख रहा है ना कि भैया जैसे इनकी हत्या हुई राजस्थान बंद हो गया, राजस्थान में आग लगने लगी, कई क्षेत्रों में आंदोलन शुरू हो गए, तो पॉलिटिकल एंगल तो इसमें फंसा हुआ है, इससे नकारा नहीं जा सकता। भारत में जहां बिजनेस कल्चर होना चाहिए था, भारत में जहां स्टडी कल्चर होना चाहिए था, वहां भारत में देखते ही देखते यूट्यूब और विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से गाली कल्चर आ गया। हम पहले गालीगिरी करने लगे जो पहले गांधीगिरी किया करते थे, अब गालीगिरी पे आ गए। धीरे धीरे गन कल्चर प्रमोट हो रहा है और हो भी रहा है, आप समझिए। गन कल्चर अमेरिका में बहुत ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा गन कल्चर को लेकर विवाद बने हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर हत्याएं कहीं होती हैं गन से तो वो अमेरिका में होती हैं, पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत के राज्य भी पीछे नहीं है। अगर आप देखोगे तो जो पीले रंग में दिख रहा है ये लाइसेंस है, और जो नीले रंग में दिख रहा है ये गैर लाइसेंस है, और लोगों ने हत्याएं की हैं, वायलेंस हुआ है। तो लाइसेंस बंदूक से केवल 701 वायलेंस हुए हैं, बाकी जो लगभग 6,000 हैं गैर लाइसेंस हैं। गैर लाइसेंस कहाँ बन रहे हैं भारत में? क्या जो खुफिया तंत्र है उसको हम टैक्स से पैसा दे रहे हैं, वो सिर्फ गांजा पीने के लिए दे रहे हैं क्या? या फिर किसी राजनेता या फिर किसी अधिकारी के छत्र छाया में इन हथियारों का निर्माण हो रहा है? स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमने चुना गुंडों को, है ना। तो कोई भी विधायक देख लो गुंडा है, वो रेत खनन करवा रहा है, वो कट्टे बनवा रहा है, वो दारू बिकवा रहा है। अधिकांश नेताओं के पास ठेके के लाइसेंस है, अधिकांश नेताओं के पास रेत खनन के लाइसेंस है, क्योंकि इनका काम ही यही है पैसे कमाना। तो जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसका परिणाम दिख रहा है ना, राजस्थान धीरे धीरे आगे करके आ जाएगा, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं तो व्यवस्थाएं देखें भी। तो भारत में गन आ चुका है, गन कल्चर पूरी तरह से आ चुका है। इसमें कई सारे सिंगर्स का योगदान है, स्पेशली इस सिंगर का बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने गन कल्चर बहुत ज्यादा प्रमोट किया हुआ है। और जो गनों से प्रयोग करते थे वो पहले बागी कहलाते थे, डाकू कहलाते थे, तो इनको समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, और वही समाज हम वापस से अपना क्रिएट कर रहे हैं। हमें समझने की जरूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आप युवाओं को सोचना है कि क्या ये गन कल्चर ठीक है, ये गाली कल्चर ठीक है? भारत में सबसे ज्यादा पोर्न देखी जाती है, भारत में दारू सबसे ज्यादा बेची जा रही है, वो सरकार उस पर लिख देती है दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार पैसे में इतनी लालची हो चुकी है, क्या सरकार अगर दारू और सिगरेट की फैक्ट्रियां भारत में पूरी तरह से बंद कर दे तो रेवेन्यू का नुकसान सरकार का बहुत ज्यादा होगा। और ये बात भी सही है, जो उसके आदी हैं वो भी मर जाएंगे, क्योंकि एडिक्शन होता है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर एक मानसिक हालत अव्यवस्था फैल जाएगी पूरे भारत में, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। और जहां जहां प्रयोग किए गए, जैसे बिहार में दारू बंद की गई है, तो स्मगलिंग बढ़ गई है, महंगी हो गई हैं चीजें, क्योंकि दूसरी व्यवस्था नहीं चाह रही कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं बंद हो। अगर हमें अपना ये समाज बचाना है, संस्कृति बचानी है, तो मैं आज युवाओं से बस इतना ही कहूंगा कि स्टडी कल्चर को बढ़ावा दो, जितना हो सके पढ़ें, ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दें जो गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, जो गाली कल्चर को बढ़ावा देते हैं, ऐसे नेताओं की कतई इज्जत ना करो जिनके ऊपर एक भी FIR है। पर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि हम उनके चाटुकार हैं, वो अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो ये समाज, हम फिर बाद में हमारा सभी समाज इसी प्रकार का कंडीशन लेके वापस से चंबल जैसी हालात होंगी। इन्होंने मजबूरी में उठाया था, ये प्रताड़ित थे समाज से, चलो कुछ ने जानबूझ के उठाया पर अधिकांश ने मजबूरी में उठाया। ये लोग क्यों हैं? मतलब एक व्यक्ति जेल में है तो भी वो गोली चलवा रहा है, उसे कानून व्यवस्था का डर ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है, कानून व्यवस्था का डर नहीं है, कानून गरीबों के लिए रह गया है, इन गुंडों के लिए कानून नहीं है, क्योंकि कानून बनाने वाले ही गुंडे हैं।
समझिए मेरी बातों को, बुरा लगे तो उसके लिए माफी चाहता हूं। जय हिंद।